दोस्तों देखिए, गर्मी का मौसम है, अंदर भी बाहर भी आपको पता ही है कि आजकल कितना गर्म हो रहा है। तो घर के लिए तो अपने नॉर्मल फ्रिज से हम काम चला लेते हैं। बॉक्स के अंदर कोई भी यूज़र मैनुअल या फिर वारंटी या गारंटी कार्ड नहीं है। तो ये डायरेक्टली फ्रिज के अंदर जो दिया हुआ था कंस्ट्रक्शन, इस आपके लिए मैं खोल लेता हूँ उसको। अबाउट दिस प्रोडक्ट, ये कैसे इसको यूज़ करना है। बहुत ही छोटा है ये कंपेरेटिवली। ये चार्जिंग केबल है, मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। ये 12 वोल्ट डीसी चार्जर है, आपको ये कार में यूज़ होगा आपके लिए। और अगर आपको घर में यूज़ करना है तो ये रहा घर के यूज़ के लिए एसी चार्जिंग में। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। पहले तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे डीसी चार्जिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, एसी चार्जिंग के लिए दिया हुआ ऑप्शन। अभी फिलहाल मैं कार में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने घर में आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। तो इसको क्विकली मैं अनवाइंड कर देता हूँ वायर को। डीसी में तो प्लग कर दिया है, ऑफ पोजिशन पर है फिलहाल। मैं इसको आपको दिखाऊंगा ऑन करके। आप देख सकते हैं ये ऑन पोजीशन पे ही है, पे ऑन, पे हॉट। फिर मैं इसको कोल्ड पे रखता हूँ ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। अभी से उसके कूलर से पीछे जो फैन है इसमें से मुझे हल्की सी ठंडी हवा आती महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों गाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, छोटा है कंपेरेटिवली। मैं अगर आपको दिखाता हूँ उसकी साइज़, तो साइज़ में आप देख सकते हैं तो काफ़ी छोटा है ये प्रोडक्ट, लेकिन काम चल जाएगा क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है, उसको उसका दूध वगैरह ठंडा करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें दिक्कत ऐसी है कि आपको ऑलरेडी चिल्ड जो प्रोडक्ट्स है, मतलब जैसे आप पानी रखने का सोचते हो पानी की बोतल, तो ऑलरेडी थोड़ा चिल्ड होना चाहिए उसको, तो वो उसको उस टेम्परेचर को बरकरार रखता है। बस इसकी यही खासियत है और कुछ इसमें खास इतना है नहीं। तो बस यही मैंने अपने कार के लिए है, तो इसका है छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए बनाए। दोस्तों मैं इसको अपने कार में एक्चुअली यूज़ करके देखूंगा, तभी फिर भी आपको मैं उसके बारे में मेरे व्यूज़ क्या है वो भी बताऊंगा आपको। तो थैंक यू दोस्तों अपने फिलहाल के लिए। इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको चैनल ज़्यादा पसंद आए। दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको तभी काम में आएगा जब आप सिर्फ 500 लीटर की बोतल इसके अंदर
रख सकते हैं। देखिए दोस्तों आप, मैं एक लीटर की बोतल ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये जा नहीं रही है। ये 600 ml की बोतल है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये भी इसके अंदर फिट नहीं हो रही। इसमें सिर्फ 500 ml की बोतल ही रह सकती है। और ये दूध की बैग में अगर आपको दिखाता हूँ, ये रही दूध की बैग, इसमें मैं बस और एक छोटा मोटा सामान रह सकता है। कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए इस प्रोडक्ट से, ये छोटे मोटे सामान के लिए ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं।